वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है एक्सएल एन सी आई एस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आज हम लोग एक इनिशिएटिव्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये हो सकता है कि आपके जे पी एस सी के प्रिपरेशन का माइलस्टोन स्टोन सिद्ध हो हम लोग स्टूडेंट्स के डिमांड के साथ हम लोग इस चीज़ों को इस निष्कर्ष पे हैं कि इंडियन पॉलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी आपके एग्जामिनेशन में आपके एग्जाम के प्रोसेस में एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है तो हमारे टीम ने और इसको एक शुरुआत के तौर लिया है और हम लोग एम लक्ष्मीकांत की जो टेक्स्ट बुक है जो हाईली रिकमेंडेबल और जो इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई करने के लिए एक सबसे अच्छी किताब है उसको एक शरीज की तरह हम लोग शुरू करेंगे हम लोगों के चैनल में कुछ बेसिक्स क्लासेस के वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो हम लोग उसको पेंटेब मोड में पहले किए थे ठीक है अब हम लोग इसको सोच रहे हैं कि इसको ऑडियो विजुअल सेशन जिसके थ्रू हम लोग आपसे लाइव इंट्रैक्शन के थ्रू मिलते हैं उस सेशन के थ्रू इसको आपके सामने लाया जाए इसमें आप लोग के इसमें डिफरेंट सेक्शंस के वीडियोज होंगे तो उसके पहले कुछ हम लोग बेसिक्स बातें कर लेते हैं कि जब हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी में कुछ बुक्स अवेलेबल हैं आपके पास जैसे कि सुभाष कश्यप की बुक होती है है ना कुछ डी डी की बुक है लेकिन इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक को आपको क्यों पढ़ना चाहिए देखिए कि जब भी हम लोग सिविल सर्विस के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर यह पॉइंट नहीं है कि आपने किस बुक से पढ़ा है द पॉइंट इज कि वेदर यू नो द थिंग्स और नॉट आपको चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं सो so, क्वेश्चंस को आप देखें जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे हमारा एक मैराथन सीरीज चल ही रहा है सो वेन एवर यू दैट गो थ्रू द क्वेश्चंस यू विल फाइंड कि देर इज सट इन स्टैंडर्ड लेवल दैट यू हैव टू एंड एज एज यू अचीव करते हैं तब तक आपको मेहनत करनी है और कभी कभी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है तो जब भी हम लोग किसी बुक की बात करते हैं तो सारी किताबें नो no डाउट बहुत अच्छी होती हैं लाइक like, सुभाष कश्यप की बुक काफ़ी अच्छी किताब है आपको मेंस के लिए काफ़ी हेल्प करेगी लेकिन जब हम लोग स्टेजेस की बात करते हैं तो किसी किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे काफ़ी इम्फेसिस है और उनका वो सेक्शन काफ़ी अच्छा है जैसे इंडियन पार्लियामेंट की बात करेंगे तो सुभाष कश्यप नो डाउट आप पढ़ें डीडी बसु आपको कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल देगा जो कि आप मेंस के आंसर लिखते समय आप वहां से ले सकते हैं लेकिन जब इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की बात आती है तो इंडियन लक्ष्मी एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको अराउंड सेवेंटी टू एट्टी परसेंट चीजों को कवर करने में हेल्प करता है मतलब आपका जो बेस स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर देता है फिर आप जितनी बार रिवाइज करेंगे विल री इन्फोर्सड सो इंडियन लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ें ये आपको प्रिलिम्स के लिए तो हाईली इंस्ट्रूमेंटल है ही आपका यदि थॉट प्रोसेस और यदि ब्रेन स्टोरमिंग करते हैं तो आपको मेन्स के लेवल पर भी ये हेल्प करेगी हालांकि मेंस पे कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ता है और आपको उसमें कुछ और वर्कआउट करना पड़ेगा तो उसके लिए हमारे लोग क्लासरूम में उसको असिस्ट करते हैं और आपको उस तरह से तैयार करने के लिए हम लोग जितना भी हो सकेगा दैट रिवर्स इंजीनियरिंग साइंटिफिक अप्रोच के साथ वो काम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बुक को थोड़ा इससे फेमिलियर हो जाइए कि दैट ये सिक्स एडिशन है द लेटेस्ट एडिशन और इसमें जब हम लोग इंडियन लक्ष्मी बुक इसके लक्ष्मीकांत की बुक की बात करते हैं तो कुछ लोग पहले डर जाते हैं कि दैट कि ये इतने बल की किताब है कितने समय में पढ़ा जाएगा कितना टाइम लगेगा तरह तरह के बातें तरह तरह के डाउट्स आते हैं तो इंडियन लक्ष्मीकांत की बुक जैसे हम कभी बात करते हैं कि आपका एक इंटरेस्ट और एक आपका यदि उसके साथ एसोसिएशन हो गया तो ये बुक काफ़ी अच्छी है बहुत सिंपल है है ना तो हम लोग के फंडामेंटल्स वीडियोज में हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि दोस्तों आप कंसेप्ट और फंडामेंटल सीख लो ठीक और उसके बाद फिर किसी भी बुक से पढ़ें तो आपको वो हमेशा हेल्प करेगा और आप उसमें अच्छा करेंगे तो इंडियन लक्ष्मीकांत की बुक को आप बार बार पढ़ेंगे ये क्वेश्चंस इेशनल है कि कितनी बार पढ़ना है राधर इट इज द थिंग दैट हाउ दैट इफिशियंटली एंड हाउ मेनी टाइम्स यू रिवाइ दिस बुक हर एक बार आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ करने को मिलेगा नया कुछ सीखने को मिलेगा और जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तब तो आपका अपने आप जो वैल्यू एडिशन और री होते चला जाएगा तो इसमें ये बुक कुछ ऐसी दिखती है सभी कोई जानते ही होंगे और सबके पास होगा भी तो इस बुक के बारे में थोड़ा एक चर्चा करेंगे और वो चर्चा आपके लिए उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा कि जब हम लोग इसके इंडेक्स की बात करते हैं इंडेक्स पे हम लोग चलते हैं सीधे ना ओके okay. अब हम लोग इसके इंडेक्स पे हैं इस बुक में तकरीबन सिक्सटी इफेक्टिव चैप्टर्स के आसपास हैं है ना और उसमें से इस बुक को पढ़ने का एक तरीका होता है जब भी इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे एक तो सिलेबस आपके बैकग्राउंड में होना चाहिए आपका सिलेबस दिमाग में होना चाहिए और इस बुक को जब तैयार करेंगे हम लोग तो मैं बताता हूं कि इस बुक को कैसे पढ़ना है ठीक तो एक पहले जनरल बात कर लेते हैं कि इस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए हाउ शुड वी अप्रोच दिस बुक और हमारा एक मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए ठीक है तब आपको थोड़ा सा एसोसिएशन होगा हो सकता है कि जो एलिमेंट ऑफ डाउट और एलिमेंट ऑफ फियर होता है वो भी आपको कहीं ना कहीं कम होगा ये जो इनिशिएटिव हम लोग लेने जा रहे हैं ये इनिशिएटिव में ऑलरेडी हम लोग के चैनल में कुछ बेसिक्स और कुछ इसी नाम से सीरीज होगा ट एम लक्ष्मीकांत सीरीज उसको आप जाके देख सकते हैं उसके बाद हम लोग इसको आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको कवर करेंगे तो इसको एक सीरीज की तरह हम लोग चलाएंगे ठीक कि हमारा जो पार्ट वाइज वीडियो जाएगा, और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके प्रिलिम्स एग्जाम के पहले जितने भी चैप्टर्स होंगे स्पेशली उसको अपलोड कर दिया जाएगा सो किप ट्रस्ट ऑनर्स और फिर भी टाइम लगता है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी इसको भेजा जाएगा ठीक तो इसके साथ हमारे साथ जुड़ के रहें और चीज़ों को देखते रहें और सीखते रहें तो इसमें अराउंड सिक्सटी चैप्टर्स के आसपास हैं और उसमें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और बेसिकली आपको इंडियन पॉलिटी सीखनी है डो नॉट थिंक कि कितने क्वान्टिटेटिव चीज़ें आप जानते हैं है ना क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा यू हैव टू बी डेवलप एन अप्रोच विच इज़ वेरी इंटीग्रेटिव इंक्लूसिव तभी आप चीज़ें अच्छी होंगी और तभी आप जो काम की बातें हैं वो आप सीखेंगे ठीक तो हम हम लोग देखते हैं जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के जो चैप्टर्स हैं तो इसमें एक अप्रोच आप लोग डेवलप करेंगे जब भी हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटी में आप जो सबसे पहले इसको ये समझिए कि ये बेसिकली आप इसको चार या पांच इंपॉर्टेंट हेडिंग्स में डिवाइड करें है ना चार पांच इंपॉर्टेंट हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे और उसको उसी तरह से पढ़ें, ठीक थोड़ा इसमें भी चीजें दी हुई है बट यू डेवलप योर ऑन अप्रोच ये चार पांच हेडिंग्स क्या होता है पूरे सिलेबस को आप ऐसे डिवाइड करो कि दैट कि लेजिस्लेचर ठीक है पहले लेजिस्लेचर फिर आप एग्जीक्यूटिव है ना फिर जुडिशियरी ये तीन जिसको कि ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं है ना ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब कि तीन अंग हैं तीन ऑर्गन से गवर्नमेंट के और जब हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या होता है ना उसी फिर बेसिक अप्रोच में जाएंगे कि हम लोग स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा तो स्टेट में बार बार बोलता हूं कि स्टेट का क्या डेफिनेशन होता है कि द स्टेट इज क्वालिफाइड थ्रू फाइव कंपोनेंट्स क्या कि डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए उस टेरिटरी में द पीपल शुड लीव द मतलब पीपल फिर सोवरेन फिर गवर्नमेंट इलेक्ट होगा सोवरेन गवर्नमेंट और उसका एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होगा तो ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स किसी स्टेट को क्वालिफाई करता है और उसमें से जो गवर्नमेंट है द इंस्टीट्यूशन इज फॉर द गवर्नेंस ऑफ द पीपल जो रिस्पांसिबिलिटी लेता है जो काम करता है उसको गवर्नमेंट बोलेंगे और उस गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं बच्चे बताओ न ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट जब ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसके तीन अंग होते हैं दैट इज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है ना दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी लेजिस्लेचर की जो लॉ बनाता है एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इंप्लीमेंट करेगा

that is called based on the principle of the popular sovereignty constitution is a means which through india constitutionalism ko hasil karna hai matlab limited government and the rule of law establish karna hai matlab, the constitution is the highest law of the land constitution is the fundamental law of the land constitution is the source of all power authorities and responsibility the constitution is a means to establish or to assert the कंडीशंस नोशन ऑफ़ इसीलिए मैंने जब का डेफिनेशन एक वीडियो में क्या बताया है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है सोसाइटी में है ना डिफरेंट कास्ट कलर क्रीड फैब्रिक्स के बीच में एक म्यूचुअल हारमोनी उसके लिए क्या बोलते हैं ना स्पिरिट डी है ना हारमोनी को क्या बोलते हैं ना स्पिरिट डी कॉर्प्स को इस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन और इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ेंगे कैसे इसके लिए सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ये एम लक्ष्मीकांत की बुक हमको काफी हेल्प करेगा क्वेश्चंस इससे बनते हैं क्वेश्चंस बनेंगे और इसको आप जब अच्छे से पढ़ाई करके रखेंगे तो इसमें से जब इस बुक को पहले बात हम लोग के ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट से फोकस करेंगे कि लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है तो जब लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो लेजिस्लेचर में आप ना दैट इज कॉल्ड यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों तो को साथ में पढ़ेंगे है ना कि पार्लियामेंट पढ़ते पढ़ लो फिर स्टेट असेंबली पढ़ो फिर दोनों को एक कंपैरेटिव स्टडी करिए तब आपका लेजिस्लेचर में एक कंप्लीट पिक्चर क्लियर होगा उसी तरह से जब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो बताइए एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है ना एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं बताइए ना एग्जीक्यूटिव मतलब विच टेक्स द डिसीजन एंड विच ऑल्सो इंप्लीमेंट्स द लॉज एंड द पॉलिसीज और एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड एग्जीक्यूटिव जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं पास करेंगे सिविल करेंगे ऑल इंडिया के मेंबर्स लाइक में स्टेट लेवल पे स्टेट डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड सब डिविजनल ऑफिसर्स डीएसपी जो भी दैट स्टेट सिविल सर्विसेज का पार्ट होगा वो क्या होते हैं ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव उसी तरह से जब हम लोग ये बात करते हैं तो हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट यू हैव टू स्टडी अबाउट न एग्जीक्यूटिव तो आप एग्जीक्यूटिव में कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के थ्रू जाएं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव मिलेगा आपको उस यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन पढ़ेंगे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है ना देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देन वट दैट इज कॉल्ड अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो ये बेसिकली आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन है ये कॉम्पोनें है इसको आप पढ़ेंगे और जब हम लोग साथ में स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो यहां पर हमें न गवर्नर देर इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट द स्टेट एग्जीक्यूटिव अब इन दोनों को जब आप क्लब करेंगे एक साथ तब आपका कंप्लीट पिक्चर क्लियर होगा एग्जीक्यूटिव का है ना उसी तरह से जब आपको जुडिशियरी पढ़ना है है ना जुडिशियरी पढ़ेंगे देन यू हैव टू स्टडी अबाउट कि इंडिया में किस तरह का जुडिशियल सिस्टम है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंडिपेंडेंट का मतलब कि इज द हाइएस्ट कोर्ट दैट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स द सुप्रीम कोर्ट देन फॉलोड बाई द हाई कोर्ट एंड देन द फॉलोड बाई द सब ऑर्डिनेट कोर्ट उसको क्या बोलते हैं लोअर कोर्ट्स को सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सेशन कोर्ट्स हैं तो उन सब चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड वे में ही आप पढ़ें है ना उसके बाद हम लोग का सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमारे यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाने की कोशिश किया गया क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एल है ना जिसमें कि द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड द म्यूनिसपलिटीज ये दोनों को लाया गया है तो so, ये हमारे यहाँ थ्री टीयर सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है ये जानते हो तो हमारे पास द यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट है स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है एंड द लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है बट अब जब हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे है ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो यहां कंफ्यूज नहीं करना है कि हम लोग को सिर्फ पंचायती राज या फिर म्यूनिसिपलिटी भी फोकस करना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड ईयर से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होता है ठीक तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बात करेंगे अब इसी बुक में इन सब चीजों को एक तरीके से दिया हुआ है तो ये सब चैप्टर पढ़ने के पहले एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि ये बना कैसे। ये हमारा जो है और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के जो वैल्यूज है, है जिसने हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट को गाइड किया उस वैल्यूज इथोस उन सब चीजों का इनकॉर्बोरेशन भी तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ये बातें नहीं करता है कि दैट व्हाट इज द फ्रेमवर्क रादर ये हमारे उस इथनिक कल्चरल इंटेग्रिटी उस चीजों को भी इनकॉर्पोरेट करता है सो दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एब्रैक्ट डॉक्यूमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज एक्ट एक्टेड बिकॉन ऑफ लाइट सो उसको सॉरी <coughs> तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के को एक चैप्टर की तरह बनाया गया है जिसको क्या है यहां पर नाम देखिए द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना इस चैप्टर का नाम क्या है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप ये पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान बना वो संविधान को बनने के लिए एक 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 स्पैन ऑफ टाइम में एक प्रोसेस के थ्रू बना है जैसे इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी बताइए सत्रह में क्या आया था ना रेगुलेटिंग एक्ट आया था है ना तो ये पूरा सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है चैप्टर्स का नाम इसमें जितने भी एक्ट्स जितने भी बने उसका नाम दिया हुआ है उसके लिए हमारे एक और हमारा चैनल है जिसको पबेड वाला है उसमें भी आप देख सकते हैं वो उस पूरे चीज़ों को चार पार्ट में बताया गया है तो पबेड वाला एंड एक्सेल एन सी आई एस इन दोनों दैट इज कॉल्ड चैनल को आप फॉलो करते रहें आपके लिए हमेशा ही और ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा तो हालांकि इसमें फिर हम लोग इसकी बात हो सकता है करेंगे

जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसका क्या हुआ ना मूड चेंज हुआ द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन आ गया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था is, था दैट इज जिसका ऑब्जेक्टिव क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म करना है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस टाइम से इस तरह से चेंजेस करना है कि इस तरह के सिचुएशन जो पैदा हो लाइक like, जैसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इस तरह के सिचुएशन जब पैदा हो तो उसको इफेक्टिवली हैंडल कर सके उसको मैनेज कर सके ठीक तो ना एसोसिएटिव पॉलिसी को लाया गया कि नाउ इंडियंस टू बी एसोसिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियंस का भी धीरे धीरे पार्टिसिपेशन शुरुआत होते चला गया और फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट की शुरुआत होती है 1861, 1892, देन 1909। तो ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट का दौर चला और इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस में पहली बार डायरकी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बात किया गया था डायरकी का और 1935 एक्ट में जाके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गया ठीक तो ये जो आपका डेवलपमेंट है तो ये जो डेवलपमेंट आपको जानना है क्योंकि यहां से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे लेकिन सारे एक्ट को पढ़ने का एक स्मार्ट अप्रोच होता है कैसे पढ़ेंगे आप स्मार्ट अप्रोच ना इन को पढ़ने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं मैक्रो अप्रोच एंड एक को बोलेंगे माइक्रो अप्रोच है ना ये डिफरेंट ये क्या चीज है मैक्रो अप्रोच एंड माइक्रो अप्रोच कुछ चीजें आप सर्फिशियल पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के पार हो जाते हैं और कुछ चीजें आपको थोड़ी माइन्यूटली पढ़नी पड़ती है थोड़े डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा तो जो डेप्थ में पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे माइक्रो अप्रोच आपको थोड़े और उसमें ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा कि वाइट इट है तो माइक्रो अप्रोच, तो अप्रोच में ये 1909, 1919 और 1935 के एक्ट्स को आप पढ़ेंगे क्योंकि हाई पोटेंशियल होता है कि यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है ठीक तो पहली बात की इसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस है क्यों क्योंकि 1909 में इस एक्ट को क्या बोलते हैं मोरलिमेंटो रिफॉर्म्स फिर 1919 उनीश में जो एक्ट आया था तो उसको क्या बोलेंगे मोन्टफोर्ड रिफॉर्म्स और 1935 एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है कि जब हम लोग आज के संविधान की बात करते हैं तो संविधान को हम लोग स्ट्रक्चरल फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल पार्ट में देखते हैं कि ये जो संविधान है ये संविधान बेसिकली इसके तीन तरीके हैं इसको समझने का कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस के एक स्ट्रक्चरल पार्ट है है ना स्ट्रक्चरल पार्ट ये स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है

तो इसीलिए 1935 का सिग्निफिकेंस है हालांकि 1935 एक्ट में एक फेडरेशन की कल्पना की गई थी लेकिन जो कंडीशंस रखे गए थे वो पूरा नहीं हुआ इसीलिए वो फेडरेशन कभी बना नहीं ठीक तो ये सारी जो बातें हैं आपको एक लेवल टू या लेवल थ्री में जाके पढ़नी पड़ेगी इसीलिए इसको क्या बोलेंगे माइक्रो अप्रोच ठीक तो माइक्रो अप्रोच में कौन कौन से एक्ट्स को पढ़ना है That, 1909, then, 1919, फिर, 1935. इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले के जो लेजिस्लेशन है उसको बस ऐसे भूल जाना है उसको याद भी रखना है बट इतना है कि आप पांच पॉइंट्स याद रखें हर एक एक्ट्स का और इसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक वे में में करेंगे समझ में आ गया अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो संविधान का एक पार्ट है जिसको बोलेंगे फिलोसॉफिकल पार्ट है ना कि जो संविधान का कंसाइंस है जो संविधान का आत्मा है जो संविधान का सोल है वो कुछ जो चैप्टर्स हैं कुछ पार्ट्स हैं उसमें निहित है जैसे कि पार्ट थ्री और पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना पार्ट थ्री और द पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो बताओ कितने लोग जानते हो कि पार्ट थ्री हम हमारे संविधान के पार्ट थ्री में किसका प्रोविजन है ना फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है है ना पार्ट फोर में किसका प्रोविजन है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी डीपीएसपी तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये जो मिलके भारत का संविधान का सोल या कंसाइंस बनाता है और इसको फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ते हैं कितने लोग जानते हो कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है उसको आप कमेंट करके बताएं और ये सारी चीजें आपको वैल्यूएट करेगी ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स इसका एक अलग ही चैप्टर्स है ये अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे बट छोटी सी बात कर लेते हैं कि जब संविधान सभा माने असेंबली में जब ये बातें चल रही थी कि राइट्स मिल दिया जाना चाहिए तो राइट्स किस तरह से होना चाहिए कुछ राइट्स का मतलब ये कंस्टेंट है ये चेक्स है ये क्लेम्स है किसके ऊपर ना स्टेट के ऊपर में कौन करता है सिटीजन पीपल राइट तो यदि संविधान या जो भी ऐसी चीजें प्रोवाइड करे या ऐसे राइट्स हो जो स्टेट को हमेशा चेक्स की ओर रखे तो स्टेट काम भी नहीं कर सकेगा ठीक जो कि जब हम लोग का इंडिया आजाद हुआ तो स्टेट के पास ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी था ठीक रोड पॉवर्टी एजुकेशन तरह तरह की जिम्मेदारी थी तो स्टेट को इनेबलिंग प्रोविजन भी चाहिए लेकिन स्टेट कभी कभी आर्बिट्ररी एक्शंस भी करेगा उस उसको रोकना भी पड़ेगा तो ये बातें सामने आई कि हमारा जो राइट्स हो वो किस तरह से होना चाहिए कुछ जस्टिसियाबल राइट्स हो और कुछ नॉन जस्टिसियबल राइट्स हो ना जस्टिसियबल राइट यदि वो वॉयलेट होता है तो उसके लिए न जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि उसको इंफोर्स करे तो उन राइट्स को क्या बोला जाता है जस्टिसियबल राइट्स और कुछ ऐसे राइट्स है जिसका पॉलिटिकल फोर्स दिया गया जिसका मोरल फोर्स दिया गया कि जब सोसाइटी जैसे जैसे ग्रो होगी मेच्योर होगी वो सोसाइटी वो राइट्स अपने आप रियलाइज होते चला जाएगा उनको नॉन जस्टिसियबल राइट्स में रखा गया तो जस्टिसियबल राइट्स है हमारा फंडामेंटल राइट और द डीपीएसपी आर द नॉन जस्टिसियबल राइट्स लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी स्टेट्स का राइट्स है क्योंकि स्टेट को काम करना पड़ता है क्यों स्टेट क्योंकि वेलफेयर स्टेट है है ना तो ये सारी बातें हम लोग फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में करेंगे तो आपको यहाँ लक्ष्मीकांत की किताबों में इस तरह से चीजों को अप्रोच करना है तो पहली बात कि लेजिस्लेचर को आप एक इंटीग्रेटेड वे में करें जुडिशरी को एक इंटीग्रेटेड वे में करें एग्जीक्यूटिव को एक इंटीग्रेटेड में करें और ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले जो इसका जो डेवलपमेंट है और जो शुरू के जो चार पांच चैप्टर्स दिए हुए हैं इस बुक में जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है देन मेकिंग ऑफ द है कि संविधान बना कैसे संविधान सभा के बारे में जानना है अलग अलग जो कमिटीज बनाए गए ड्राफ्टिंग कमेटी है ना इन सब चीजों के बारे में जानना है क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपके एमसीक्यूज बनेंगे ठीक है तो इसको लिख लेना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है लक्ष्मीकांत एक तरह से कहें तो सिविल सर्विसेस की तैयारी के लिए ग्रंथ है कोई भी बिना कोई भी एस्पिरेंट बिना लक्ष्मीकांत के नहीं रह सकता है तो लक्ष्मीकांत को आप पढ़ पढ़ के अपना इतना इतना आत्मसात करें कि यदि किसी लाइन से पूछा जाए कि मतलब आपको इन बिटवीन द लाइन्स दिखना चाहिए है ना सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने चैप्टर खत्म कर लिए हैं आपको इन बिटवीन द लाइन जाके क्वेश्चन हो सकता है कि इस ऑर्डर के पूछे जाएंगे तो वो आ जाता है इतना मुश्किल नहीं है और जब एक्सएल एनसीआई का साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ठीक तो बस हमारे साथ पढ़ते रहें हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं है ना क्योंकि लड़ाई तो आपको लड़नी है फिर इसमें बात होती है न प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना की बात होती है और यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी सिटीजन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी इस तरह से आप चीजों को पढ़ते चले जाएंगे कहां तक पढ़ेंगे ना जब तक कि आपको ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यिसिपलिटी तक ये सारे चैप्टर्स यहां तक आपके सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है आप किसी भी चैप्टर को न छोड़े लेकिन जब पढ़ेंगे तो शुरुआती दौर में आप कमिटीज दो तीन चीजें को आप अभी नहीं करना है लाइक like कमिटीज उसके रिकमेंडेशंस है ना तीसरा क्रिटिसिज्म इसको अवॉइड करेंगे ठीक है छोड़ देना है नहीं पढ़ना एकदम बस इतना कंटेक्स याद रखना है कि कोई टॉपिक में कोई कोई है है ना कोई बना तो उस कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव था बस कि किस पर्पस के लिए बनाया गया था बस इतना ही जैसे सरकारिया कमीशन पुंछी कमीशन है ना बलवंत राय मेहता कमेटी अशोक मेहता कमेटी तो ये सारी चीजें आप नाम याद रखेंगे ऐसा नहीं कि कंप्लीट अवॉइड कर देना है बट ओनली फॉर विच पर्पज डोंट गो एंड रीड द रिकमेंडेशन दे हैव गिवन एंड बहुत सारे क्रिटिसिजम भी नहीं पढ़ने हैं आपको राइट right? तो so, अभी क्रिटिसिजम, कमेटीज, ये सब चीजों को अवॉइड करेंगे कोई भी चैप्टर में आप पेंसिल से उसको क्रॉस करके निकल जाए ठीक है धीरे धीरे वो अपने आप, आपका आते चला जाएगा देन यू रीड एंड मूव अहेड जब यहां तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कहाँ तक न पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देन म्युनिसिपलिटीज देखिए तो ये अराउंड चैप्टर नंबर थर्टी नाइन पे आपका म्यूनिस्पलिटीज है तो चैप्टर नंबर थर्टी नाइन तक आप पढ़ते चले जाएंगे एक भी चैप्टर नहीं छोड़े आप है ना हर चीज को पढ़े बट हाउ यू रीड यू लीव द रिकमेंडेशन द क्रिटिसिजम एंड जस्ट सिंपली गो थ्रू इट वन टाइम टू टाइम एज मेनी टाइम्स एज यू कैन गो ना उसके बाद आपको इस बुक को और कैसे पढ़ना है देन यू स्टडी अबाउट द बॉडीज है ना एक स्पेशल बॉडीज कि जितने तरह के बॉडीज हैं बॉडीज करने के बाद है हम लोग का कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है गेटिंग पॉइंट कुछ संविधानिक है कुछ स्टैच्यूटोरी है है ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है स्टैच्यूटोरी बॉडीज है जो डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बना है जो संविधान के डायरेक्ट आर्टिकल से बना है उन बॉडीज को बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे फाइनेंस कमीशन ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो इस बुक में उसी तरह दिया भी हुआ है स्टेचुटरी बॉडी की बात करते हैं जब कोई स्टैट्यूट बना के कोई बॉडी क्रिएट किया जाता है स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ जो बता देगा उसको आ, हमारी ओर से कुछ आ, उनको उनको काफी अप्रीशिएशन मिलेगा उनको चीजें और कुछ और भी चीजें जो पॉसिबिलिटीज होगी वो दिया जाएगा सो गेटिंग माई पॉइंट कि दैट स्टैचुटरी बॉडी क्या होता है ना स्टैचुटरी बॉडी उसको बोलते हैं जहाँ कि किसी लेजिस्लेश माना लॉ ऑफ द पार्लियामेंट से किसी बॉडी को क्रिएट किया जाएगा एक भी कोई एग्जाम्पल का नाम बता सकते हो कि जो स्टैच्यूटरी बॉडी है बताओ जैसे कि एक बॉडी है जिसका नाम जानते हो आप लोग एनसीपीसीआर है ना एनसीपीसीआर क्या है बताओ ना नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ठीक है चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी है जो कमीशन वो कैसा statutory body है स्टैचुटरी बॉडी है उसी तरह से आप लोग इसका नाम सुने भी होंगे एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो ये सारे बॉडीज हैं जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी में आते हैं तो आप लोग और पढ़ेंगे ठीक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी और कुछ ऐसे जब बॉडी या इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए जो कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही वो स्टैच्यूटोरी है उसको क्या बोलेंगे ना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो बनता है उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं जैसे कि नीति आयोग है ना इसके पहले क्या था वो प्लानिंग कमीशन तो इन सारी चीजों को आप पढ़ते चले जाएंगे उसके बाद इस बुक में जब आप आगे बढ़ेंगे तब इस तरह से जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है इसको पढ़ते चले जाएंगे इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी और लास्ट में जो एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू दैट इज कॉल्ड एनसीआरडब्ल्यूसी अब जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है रोल ऑफ द रीजनल पार्टी है तो इसको मैक्रो अप्रोच से पढ़ना है है ना मैक्रो अप्रोच का मतलब क्या कुछ कंडीशंस कि जैसे जब भी हम लोग बात करते हैं एक नेशनल पार्टी का तो नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या है? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ये सब आप के के क्या? होते किन? क्राइटेरिया में वो डिस्कवालीफाई होता है क्योंकि न्यूज काफी दिनों तक बना हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, है ना? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद इसी तरह से कुछ और चीजें जो भी बाकी बच गई वो कैसे करना है आपको एक मैक्रो अप्रोच से करना है ठीक तो टिल जो म्यूनिसिपालिटीज है वहां तक आपको क्या है अच्छे से पढ़ना है इस पूरे बुक को ये आपको एक बिकऑन अपलाइट मतलब हर बार आप जो पढ़ोगे यू विल गेट समथिंग न्यू एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब देन उस दोनों को लिंक करें जो भी कमी होगा उसको वीडियो देखें अपने से पढ़ें और उस सब चीजों को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आज का सेशन बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि दैट यू शुड हैव ए स्मॉल बट द क्रिस्टल आइडिया दैट हाउ टू गो विथ ए पेपर जब भी हम लोग बात करते हैं कि जोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी हर एक चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है इवन आई सजेस्टेड टू गो टू रीड अबाउट द लक्ष्मीकांत बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ के आपका सब कुछ हो जाएगा व टू डू द नेक्स्ट लेवल ब्रेन स्टोरमिंग लेकिन हाँ भले आपका बेस स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना अनलेस एंड एंटिल आपका फाउंडेशन बने आप सुपर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो लक्ष्मीकांत आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा और ये अभी रेलिवेंट है हम लोगों ने भी करा है दैट्स वाई वी आर रिकमेंडिंग टू यू बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट हुआ इफ आई गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक एंड आई कैन रीच टू द नेक्स्ट लेवल देन गो अड डोंट टू वेस्ट द टाइम एंड डोंट थिंक टू मच

स्टार्ट डूइंग फ्रॉम द स्क्रैच और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप जीरो लेवल से शुरू करेंगे और ट्रस्ट में जो एक महीना कमरा बंद करके एक सही तरीके से पढ़ा ही रिस्ट टू दैट लेवल जहां पर आपको एक लेवल ऑफ एक्सेलेंसी फील होगा एंड उसके बाद आप कुछ टेस्ट पेपर कर लें कुछ टेस्ट सीरीज कर लो यू आर इन द राइट मोड दट यू यू डिजर्व टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेस ठीक है नो बडी बॉन्ड स्मार्ट That person have to inculcate the quality that that you as to the smart. Getting my point? So bring some behavioral changes in your approach, and we are trying to give you as maximum as possible. But there are that things which are constrained But we are taking our effort. So at the last but not the least, let's uh, the wrap up and the conclude the today's session. That we और इसमें जो इंडियन लक्ष्मीकांत हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि बीपीएससी uh, हो जो यूपी like इस तरह के जो अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं जहां पर ये सिलेबस ओवरलैप करेगा वहां पर भी काफी ये हेल्प करेगा इवन फॉर दोज हु द प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी दे कैन गो फॉर इट है ना सो so, हम लोग इसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट सीरीज अपलोड किया जाएगा बट फ्रेंड्स ट्रस्ट इट इट विल टेक सम टाइम बट वी आर ट्राइंग दैट एज शुड बी अपलोडेड ऑन द दूट्यूब सो दैट इट वुड बी फ्रीली अवेलेबल टू यू सो विद दिस थिंग्स लेट्स कंक्लूड एंड लेट्स रेप अप द टुडे सेशन दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स वी आर कमिटेड टू हेल्प यू एंड वी इथ दैट एस्पिरेशन दैट यू गाइज आर कमिटेड टू हेल्पिंग एंड टू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ सो कीप वाचिंग keep reading and be and in tune with us so take care and finally goodbye